हमने बॉलीवुड के बहुत से गानों में अपने देश की खूबियों को सुना है। किताबों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिलकश नज़ारों का वर्णन भी पड़ा है। वैसे तो हमारे देश को नायाब और इसके इतिहास को इतना समृद्ध बनाने में बहुत से महान लोगों को श्रेय जाता है, लेकिन एक ऐसी हस्ती भी हमारे देश में जन्मी है जो देश को कुछ ऐसी सौगात देकर गए हैं जिसका ऋण उतारना हम इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने वाले युवाओं के लिए बड़ा मुश्किल काम है। मगर हाँ, उनकी अद्भुत सोच और विचार से अगर हम सीख लें तो अपने हिस्से के कर्तव्य को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया पाल और ऐतिहासिक इतवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार राजनीतिज्ञ, महान शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक रहे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। आप सभी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा और शायद उससे भी ज़्यादा सुना होगा, मगर आज ऐतिहासिक इतवार में हम आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसे अनकहे और अनसुने किस्सों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हमारे देश का सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां पर 34 देशों के 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इतने बड़े एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए मदन मोहन मालवीय जी को कितनी मशक्कत करनी पड़ी? चलिए, इस विश्वविद्यालय से जुड़ा एक अनोखा किस्सा हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि मदन मोहन मालवीय जी काशी नरेश के पास हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जब ज़मीन मांगने गए तो काशी नरेश ने उन्हें बड़ा ही अनोखा जवाब दिया। उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी को कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें उतनी ही ज़मीन दे सकता हूँ जितनी ज़मीन पर तुम एक पहर में चल सकते हो। यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने एक पहर में चलकर 1360 एकड़ ज़मीन को काशी नरेश से विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए ले लिया। एक कसौटी मदन मोहन जी पहले ही पार कर चुके थे, लेकिन इस इतने बड़े काम के लिए केवल ज़मीन का होना काफ़ी नहीं था। अब दूसरी चुनौती थी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पैसे इकट्ठा करना। इसके लिए मदन मोहन मालवीय जी ने पेशावर से कन्याकुमारी तक घूमकर हर राजघरानों और समृद्ध लोगों से इस सपने को साकार करने के लिए चंदा मांगने की योजना बनाई। और जब वो इस कड़ी में हैदराबाद पहुंचे तो यहाँ भी एक अनोखा वाक्य उनके साथ हुआ। कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम के पास पहुंचकर जब उन्होंने इस पूरी योजना के बारे में बताया और इसके लिए उन्होंने आर्थिक मदद मांगी तो निजाम ने कहा कि इसके लिए वो बस सिर्फ अपनी जूती ही दान में दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं देंगे। मदन मोहन जी वहां से उठे और निज़ाम की जूती को ही अपने साथ लेकर चल दिए। इसके बाद उन्होंने निज़ाम की जूती की बाजार में बोली लगा दी। ये देखकर निज़ाम को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद निज़ाम ने मदन मोहन जी को वापस बुलाया और अच्छी खासी रकम देकर विदा किया। पूरा देश घूमकर मदन मोहन मालवीय जी ने आज से लगभग 107 साल पहले 1,64,00,000 रुपये इकट्ठा किए और 1915 में 5,00,000 गायत्री मंत्रों के साथ भूमि पूजन किया गया और इसके साथ ही काशी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मदन मोहन जी का एक किस्सा उनकी वकालत से जुड़ा है जो कि काफ़ी मशहूर है और आज की युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी मोटिवेट करने वाला भी है। कहा जाता है कि मदन मोहन जी वकालत छोड़कर पूरी तरह से समाज सुधार कार्यों और देश की आज़ादी के लिए आंदोलन में जुट चुके थे। इसके साथ ही वकालत की ओर कभी पलट करना देखने का भी मन बना चुके थे, लेकिन उनके जानकार मानते थे कि वकालत करते समय मदन मोहन मालवीय जी ने ना जाने कितनी बार अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और उनके जैसा अधिवक्ता अदालत में बार बार नहीं देखा जाता था। उसी समय गोरखपुर की चौरा चौरी घटना में 153 क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने मौत की सजा सुनाई। किसी ने मालवीय जी से मिलकर क्रांतिकारियों के केस को उनसे लड़ने की प्रार्थना की। मदन मोहन मालवीय जी ने उस केस को लड़ा और फांसी की सजा पाए गए सभी क्रांतिकारियों को बचाया। हम हर न्यायालय और सरकारी दफ्तरों में एक वाक्य लिखा देखते हैं, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। चलिए आज इस वाक्य के इतिहास के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल सत्यमेव जयते को हजारों साल पहले हमारे उपनिषदों में लिखा गया था, जिसे हमेशा पढ़ा गया, समझा भी गया, लेकिन इतनी बारीकी से समझकर
इसे पहचान दिलाने की शायद कभी किसी ने नहीं सोची। मदन मोहन मालवीय जी ने 1918 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए ही अपने भाषण में इस वाक्य का पहली बार इस्तेमाल किया और इस न्यायिक वाक्य से देश की पहचान कराई। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही मदन मोहन जी ने एक बार कहा था कि मुझे इस बात का मलाल रहेगा कि मैं आजाद भारत को अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा, लेकिन इस बात की खुशी भी होगी कि आजाद भारत का युवा सशक्त होगा, शिक्षित होगा और जागरूक होगा। आजादी से एक साल पहले ही 12 नवंबर 1946 को 84 साल की उम्र में मदन मोहन मालवीय जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 2004 में मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें सबसे उच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया। मदन मोहन मालवीय जी से जुड़े ऐसे ही और भी न जाने कितने किस्से हैं जिनके बारे में अगर बात की जाए तो शायद समय खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी महानता के किस्से कभी खत्म नहीं होंगे। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया और अपनी दूरदर्शिता के जरिए देश के युवाओं को इतनी कीमती सौगात देकर गए और हमारे इतिहास को इतना शानदार बना गए। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।